मेरा नाम भूपेश प्रजापति एन सेवा ट्रस्ट इसमें हमारे अहमदाबाद में अड़तालीस वार्ड में कार्यकर्ता इस संस्था के द्वारा है हर एरिया में है तो जो एरिया में झुपरपट्टी या ऐसे जो कई जो सोसाइटियाँ और चालिया जो हैं वहाँ से फोन आता है तो हमारे यहाँ से वो डिलीवरी हम यहाँ से भी भिजवाते हैं और वहाँ से भी लेने आते हैं तो अहमदाबाद की कोई कोना ऐसा बाकी नहीं है जैसे साहिबाग हुआ जुआपुरा हुआ काटा हुआ शाही बाग हुआ तो अपने हर इलाकों में अलग अलग, अलग जगह पे भेजते हैं मतलब सोला थलतेज सीलज रिंग रोड पे भाड़ज विष्णु देवी मंदिर फिर अपने आगे जो अडालत जो वहाँ पे जो प्रवासी लोग जो चलते जा रहे हैं वहाँ भी हम भिजाते जाते हैं फूड पैकेट में ज़्यादा स्टाफ चाहिए और ये रोटी पूरी में भी ज़्यादा स्टाफ चाहिए इसलिए हमारा स्टाफ भी उस हिसाब से और सरकार के नियम जो हैं उस नियम के तौर पे हम मतलब देखते हुए खिचड़ी बनाते जिसमें स्टाफ कम चाहिए और खिचड़ी हम फटाफट जहाँ भी देना वहाँ दे सकते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है रोजाना तो दो हज़ार तीन हज़ार लोगों का तो हम बना ही लेते हैं और कभी सुबह का भी बनता है था कभी शाम का भी बनता है था दो टाइम भी हो सकता है वैसे रोज का हम दो तीन आदमी का तो बनाते हैं इसके सिवा हमने पहले शुरुआत में तो मांस बांटे थे जो मांस जो जो मतलब पान के गल्ले वाले हुए सब्जी वाले हुए जो रोड पर जो बिजनेस करते छोटे व्यापारी उनको मास्क उनको देकर उनको जागरूक करना हमारा काम था फिर आगे ये वापस ये बंद जो भारत बंद ऐलान जो हुआ उसके बाद में फिर हमने खिचड़ी का स्टार्ट चालू किया